और वो जो बेचारा बाहर खराब चरणों पर गया, धन्य हुआ, वाह 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 वाह। आज मेरे जीवन की सफलता हो गई, विद्या ईश्वर जब विद्या सागर जैसा भी मेरे अभिनय को इसका वास्तविक मान करके और उनसे ला रही है। ये हमारे मैं अपने अभी चप्पल मुझे दे दीजिए, मेरे लिए जिंदगी भर के लिए ट्रॉफी मिल जाएगी, एक अभिनय इसको कहते हैं, ऐसा अभिनय प्रभावित करते। तो हमको ऐसा अभिनय करता है ईश्वर, जो हमारा कृष्णचंद्र है, जो ठाकुर है, वह हमारे अभिनय पर प्रसन्न, भले चप्पल मारे क्या फर्क पड़ता है। सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आचार्य सहित सभी शुभारों का वंदन करता हूँ। और हम लोग कठपुतली के लिए उमादार जोशित ही नहीं, सभी न चावत राम गोसाई, तो अपने आप को भगवान का यंत्र मान ले। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, ओ माँ आमी ज्योंत्र तुम्हें ज्योंत्री, मतलब यंत्र मात्र आप न चाहती हो, तेरो न चाहो ना जो लोकी बोले करी हम अशोकोले तुम्हार इच्छा इच्छाधारी माता तुम्हें तुम्हार काज तुम्हें करो माँ लोकी बोले करी। हम इसको मंगाई ढंग से उठा लेते लेकिन हम लोग समझ नहीं आया। तो ये नाटक कमाने ये भी है, हम प्रभु के हाथ में डोल हमारे यहाँ दे दी है, अब वो हमसे जो कराएं, लेकिन गले के ऊपर ऊपर के अंदर में कुछ और सोचो। नाटक है तो भगवान करा रहे हैं, अच्छे से मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू और असली अंदर से है। तो फिर भगवान के भक्त से कभी कोई पाप होता ही नहीं है। अगर भक्त का अपराध होता है तो भगवान का अपराध होता है, पुण्य का सब कुछ, जिसका पुण्य है उसका पाप भी है। तो अगर नाटक का तात्पर्य ये भी है, अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो, कोई भला हो चाहे बुरा करो, हो चुके रमनिहारी के। तो हम जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं और जो हमारे साथ विज्ञान के माध्यम से बैठे हैं, नाटक करो माय डियर, उसको याद करते हैं। जय श्री।